मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बीट रूट यानी चुकंदर का हलवा बनाएंगे जो काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको बनाने के लिए हमने 1 किलो चुकंदर को हमने पील करके ग्रेट कर लिया है। ये 200 ग्राम चीनी है, 250 ग्राम मावा है यानी खोया, ये 1 बड़ा चम्मच हमने फ्रेश मलाई ली है, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ी किशमिश, 10-12 काजू को हमने कट कर लिया है, 10-12 बादाम को हमने कट कर लिया है और 6 इलायची का हमने पाउडर बना लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे। ये देखिए, जो हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया था, देसी घी को डालेंगे और देसी घी के गर्म होने तक का वेट करेंगे। देसी घी गर्म हो गया है, देसी घी को ऐसे पूरी कढ़ाई में ऐसे फैला लेंगे और इसमें हम ये चुकंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, तो चुकंदर को ऐड कर देंगे और ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए, फिर से इसको मिक्स करना है हमें। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, 5 मिनट तक हमको ऐसे भूनना है। देखिए, ऐसे हम 5 मिनट तक ऐसे मिलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम ये चीनी मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमने 200 ग्राम चीनी ली है, ये ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, और इसमें ये जो हमने फ्रेश मलाई ली है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेश मलाई है, इसमें ऐड कर देंगे मलाई को। ये हमने दूध, ताजे दूध में से बिल्कुल फ्रेश मलाई निकाली है फ्रेंड्स, 1 बड़ा चम्मच है, और इसमें ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। अब चीनी इसमें थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी, चुकंदर पूरी चीनी को अपने में एब्जॉर्ब कर ले, तब तक हमें इसे पकाना है। ये काफ़ी टेस्टी हलवा है और बहुत ही पावरफुल है ये हलवा, और बहुत ही, देखिए ये देखिए चीनी अपना कैसे पानी छोड़ रही है। इसको आप बनाइए, सबको खिलाइए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें अब इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़े से बादाम, ये देखिए थोड़े बादाम, थोड़े काजू और थोड़ी किशमिश, सारे मेवे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो हमें मिक्स करना है ऐसे और थोड़ी देर इसको अभी और पकाना है हमें मीडियम फ्लेम में। ये देखिए, बीटरूट ने चीनी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए पूरे अच्छी तरह से अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें ये खोया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये खोया हमने घर में बनाया है इसलिए थोड़ा सा येलो दिख रहा है, ये हमने दूध को पकाते हुए खोया बनाया है। खोए को इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए, और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा 2 मिनट तक ऐसे भून लेंगे खोए के साथ में। देखिए, ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी है हलवा, बच्चों लोग को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये बीट रूट से बनाया है। तो आप इसको बना के बच्चों को बड़ों को खिलाइए और काफ़ी पसंद आएगा ये हलवा आपको। तो ये देखिए, अब हमारा हलवा बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, 2 मिनट बाद अब इसको हम सर्व करेंगे। बीटरूट यानी चुकंदर का हलवा हमारा बनके रेडी है। ये देखिए, बहुत ही जल्दी ये हलवा बनता है फ्रेंड्स। इसको पकाने में हमें पूरे 15 मिनट लगे हैं। बच्चे सैलेड में चुकंदर नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको बना के बच्चों को खिलाएंगी, बहुत खुश होकर खाएंगे बच्चे इसको और उनको बहुत पसंद भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को बनाइए घर पे और सबको खिलाइए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। नमस्कार, बाय बाय।